मिर्ची बॉलीवुड। तो आज मतलब काफी कड़ी परीक्षा हो रही है, अंगारों पे चला जा रहा है, क्या बताएंगे अंगराज? बेसिकली ये परीक्षा अंगराज की नहीं, परीक्षा पूजा की है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार पूजा ने अंगराज को मॉक किया था, उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई थी ये कहकर कि अरे तुम तो डुप्लीकेट हो, सब कुछ उसकी तरह कर रहे हो, उसके पसंद की चीज़ें कर रहे हो, उसके कपड़े लाए हैं, कमरे का भी उसी तरह सजाया है, तो वो कहीं ना कहीं इतनी चिड़मची है अंगराज में कि वो सारी चीज़ें हटाकर जला देता है, फेंक देता है। रात चली गई, सुबह हो गई, लेकिन उस कमरे में ऐसी लगती नहीं कि सुबह हुई है, क्योंकि उसने सफ़ेद कर्टन्स की जगह पे काले कर्टन्स लगा दिए हैं, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, और वो पूजा को अपने पसंद के कपड़ों में उसने तैयार किया, एकदम बॉडी का कलरफुल कपड़ों में, एंड इज लाइक यार इस कमरे में जलते दिए बहुत कर लिए, अब थोड़ा कोयलों से खेलते हैं, तो जो एक रास्ता बना है, दोनों तरफ कोयले ही कोयले हैं, और रास्ता सिर्फ एक ही तरफ जाता है, वो है बिस्तर की तरफ, तो उसने कहा है कि रास्ता तुम्हारे पास है, जबकि कोई रास्ता है ही नहीं, या तो आप राख हो जाओ या तो फिर मंजिल सामने है। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं अंगराज की जीत होती नज़र आ रही है। जीत होती है, बिल्कुल नज़र आ रही है, ये तो मतलब जीतने ही वाला ही रास्ता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी और होती है कि पूजा जी चल के बड़े शान से उस बिस्तर में आके बैठ जाती है और कहती कि हाँ ठीक है, मुझे तो सब मंजूर है। तब अंगराज को लगता है कि यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी आसान, मतलब ठीक है इट्स नाइस प्लान, बट इतनी आसानी से पूजा जी मान जाए तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है, एंड तो वही है, वो गड़बड़ क्या है ये तो अभी वक्त ही पता चला उसके उनके अगले चाल की आने के बाद। बाकी सीन शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हैवी सीन्स आ रहे हैं, बीइंग लाइक हैवी सीन्स एंड एवरीथिंग कीपिंग दैट असाइड, बट एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, मैंने डबल रोल करने का, मतलब आई थिंक एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ अ डबल रोल, एंड जब आया तो आने के बाद टीवी शो में तो इतना पता चलता है कि आपके पास वक्त नहीं होता, इट इज़ लाइक कि आप सुबह एक होते हो, आप शाम को एक हो जाते हो, एंड वो जो स्विच ऑन एंड ऑफ का जो है, क्योंकि नरेन और अंगराजी दोनों इतने एक्सट्रीम कैरेक्टर्स, इतने एक्सट्रीम सिचुएशंस में हैं फिलहाल, कि बहुत ही एक अलग शेड है, मज़ा भी आता है, कभी कभी मैं अटक भी जाता हूँ, फंस भी जाता हूँ, तो मुझे अच्छा ओके अभी मैं नरेन हूँ, तो मुझे एक खुद को भी एक दो बार याद दिलाना पड़ता है कि सो दैट जब ज़्यादा वक्त नहीं होता तो इट इज़ सेल्फ मेड थिंग दैट वी हैव टू डू, एंड होपफुली लोगों को पसंद आए एंड दे रियली एंजॉयड, कोई गलती भूल हो जाओ तो माफ़ कर लेना। थैंक यू।